वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और मेक इट सिंपल की वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विथ मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो आज जिस टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो है क्रैब्स साइकिल। तो क्रैब्स साइकिल्स जो हैं उसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल, ये तीन नाम से हम इसको जानते हैं क्रैब साइकिल्स को। जो क्रैब साइकिल्स है इसको सबसे पहले हैंस क्रैब्स ने 1943 में इसकी स्टडी की थी और इन्हीं के नाम की वजह से इस जो साइकिल है, पाथवे है, इसको हम क्रैब साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये सेकेंडरी पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करके पाइरूविक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो है क्रैब्स साइकिल का, जिसमें पाइरूविक एसिड का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है और इसके बाद जो हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। क्रैब्स साइकिल्स की जो प्रोसेस है वो, जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में होता है और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो वो जनरली साइटोसोल में ही होता है। क्रैब्स साइकिल्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये साइकिल है इसमें कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन तीनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम अपने नए वीडियोस डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में जहाँ पर हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था वहाँ पर देखा था कि जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बने, ठीक है। जिन्होंने भी हमारे ग्लाइकोलिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, साथ ही ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप मिल रहा है हमारा, वो है एसिटाइल CoA। तो एसिटाइल CoA के बाद ही हमारा जो क्रैब्स साइकिल है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम एसिटाइल CoA को ये भी बोल सकते हैं कि वो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब्स साइकिल्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। पाइरूविक है उसका ऑक्सीकरण तथा डीकार्बोक्सिलेशन द्वारा एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होता है। तो जब एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन होता है उसके बाद क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सैलो एसिटेट प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सैलो एसिटेट एसिटाइल CoA के साथ मिलके साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन वाला एसिटाइल CO है जो कि 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसिटेट के साथ ऐड होकर 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनाता है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। 6 कार्बन वाला सिट्रेट मिल रहा है वो क्या करता है, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट जो है वो सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है जिससे वो सिस एकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है और सेकेंड टाइम में दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल को ग्रहण करके वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। अगले स्टेप में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आइसोसिट्रेट है वो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होता है जो कि 5 कार्बन वाला मेंबर है। यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है और यहाँ पे हमारा NADH का एक मॉलिक्यूल रेडी होता है जो कि NAD से कन्वर्ट होके NADH का एक मॉलिक्यूल मिलता है, साथ ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ से हमें मिलता है। अगले स्टेप में हम पढ़ते हैं यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड जो है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जहाँ पे जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है वो है सक्सिनाइल CoA बनता है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है अल्फा कीटो ग्लूटरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पर यहाँ पे एक और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल साथ ही NAD से कन्वर्ट होके NADH मॉलिक्यूल हमें मिलता है। जो सक्सिनाइल CoA है 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ये सक्सिनिक
थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस में हमें एक जीटीपी का मॉलिक्यूल भी मिलता है। अब जो हमारे सक्सिनेट है ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है और इस स्टेप में जो है हमें FADH2 के मॉलिक्यूल साथ ही हमें वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ से हमें मिलता है। अब जो हमारे ये फ्यूमरेट है वो मैलेट में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड या फ्यूमरेट एक H2O के अणु को लेके मैलिक एसिड या मैलेट में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है फ्यूमरेज एंजाइम। क्रेब्स साइकिल के लास्ट स्टेप में जो ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। यहाँ पे जो मैलेट है या फिर इसको मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में या ऑक्सेलो एसिटेट में और यहाँ पे हमें H2O का एक मॉलिक्यूल मिलता है, साथ ही NAD 2H में कन्वर्ट होके मिलता है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि कितने अमाउंट में यहाँ एनर्जी का जनरेशन हुआ है। जो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल बने उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन हुआ तो जितने भी हमें ATP से FADs मिलेंगे वो डबल अमाउंट में मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सिंगल अमाउंट में देख लेते हैं कि जो NAD हमें मिला है, NAD हमें कितना मिला है, NADH के हमें तीन मॉलिक्यूल मिले हैं और फिर FADH2 के हमें एक मॉलिक्यूल मिला है, GTP के भी हमें एक मिले हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें दो मिला है। तो ये जो हमने नंबरिंग बताई है ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल्स के लिए है। जब हम दो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इस अमाउंट को हम दुगना कर देंगे तो NADH के 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, FADH2 के 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, GTP के 2 हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 हो जाएंगे। ये सभी अब एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP के जनरेशन के लिए। इस पाथवे को मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये सिंप्लीफिकेशन पसंद आया होगा। अगर इस पाथवे से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और ढेर सारा शेयर करिए, दूसरों तक भी वीडियोज़ को पहुँचाइए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।